पालक पनीर। पालक पनीर तो सबको काफी पसंद आती है, तो आज मैं आपको पालक पनीर की रेसिपी बताने जा रही हूँ, जिसको बनाना काफी बहुत आसान है। इसे मैंने आपके साथ काफी सिंपल तरीके से शेयर किया है। इस प्रकार आप पालक पनीर की रेसिपी बनाइए और मेरे आने वाले वीडियो को इस प्रकार देखते रहिए। जी हाँ, आज मैं आपके साथ पालक पनीर की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही सिंपल तरीके से। आपको मेरी रेसिपी देखने के लिए मेरे वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखना होगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं किरण, वेलकम टू रॉयल इंडियन किचन। पालक पनीर बनाने के लिए सबसे पहले हमने 250 ग्राम पालक ली है, जिसे हमने आधा कप पानी डालकर बॉईल कर लिया था। बॉईल करने के बाद इसे हमने एक स्मूथ पेस्ट बना दिया है। 200 ग्राम पनीर है, ये होममेड पनीर है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगी, वहां जाकर आप चेक कर लीजिए। और ये थोड़ा पनीर मैंने गार्निश के लिए बचाया है। बाकी पनीर के हमने पीसेस कर लिए हैं। ये अदरक, लहसुन और प्याज का पेस्ट है, जिसे हमने 2 मीडियम साइज की प्याज ली है, 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है और 7 से 8 कलियां लहसुन की ली थी, जिसे हमने ग्राइंडर जार में डालकर एक स्मूथ पेस्ट बना लिया है। ये हरी मिर्च और टमाटर का पेस्ट है, जिसमें हमने 2 हरी मिर्च ली थी और 2 मीडियम साइज के टमाटर लिए थे, जिसे हमने बारीक बारीक कट करके स्मूथ पेस्ट बना लिया है। आप इसकी जगह टमाटर को कट कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कुछ मसाले लिए हैं, जिसका इस्तेमाल हम आपको सब्जी बनाते समय बता देंगे। तो अब हम गैस की तरफ चलते हैं। गैस को ऑन करके हमने कढ़ाई रख दी है, इसमें हम ऑयल डाल देते हैं। यहाँ हम सरसों के तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप चाहें तो किसी भी ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हमने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है। पालक पनीर बनाने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप बटर या घी का इस्तेमाल ही करें, आप जिस किसी भी कुकिंग ऑयल में का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, रिफाइंड ऑयल का कर सकते हैं। ऑयल गर्म हो चुका है, इसमें हम एक तेज़पत्ता डाल देते हैं, एक पिंच हींग, 1 टीस्पून जीरा, 2 लौंग। लौंग डालना जरूरी है क्योंकि इससे पालक पनीर का टेस्ट काफी अच्छा आता है। ये अदरक, लहसुन और प्याज का पेस्ट, इसे हम डाल देते हैं। प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है, यानी कि भुनना है। देखिए, प्याज का कच्चापन निकल गया है, प्याज भी हल्की हल्की गोल्डन ब्राउन होने लगी है। जैसे ही प्याज पैन छोड़ना शुरू कर दे, तब हम इसमें मसाले डाल देंगे। देखिए, प्याज ने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है, अब हम इसमें मसाले डाल देते हैं। 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, पाउडर आप देख रहे हैं इसमें हमने एकदम भर कर लिया हुआ है। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, यह हमने, याद रखना फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने हरी मिर्च का भी इस्तेमाल किया हुआ है, इसे हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। वन टीस्पून नमक, नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ हमने 1.5 टीस्पून नमक का इस्तेमाल किया है। जैसे ही मसाले और प्याज अच्छे से भुन जाए, तब हम इसमें टमाटर की जो प्यूरी हमने बना कर रखी थी, जिसमें हमने 2 हरी मिर्च और टमाटर लिया था, इसे भी डाल देते हैं। कढ़ाई को हम 2 से 3 मिनट के लिए कवर कर देते हैं। 2-3 मिनट हो चुके हैं, हम चेक कर लेते हैं मसालों को। देखिए, मसाले अच्छे से भुन चुके हैं और मसालों ने ऑयल भी छोड़ना शुरू कर दिया है। इस स्टेज पे हम 1/2 टीस्पून गरम मसाला डाल देते हैं, अच्छे से मिक्स कर देते हैं। 1 टीस्पून कसूरी मेथी है, इसे हम डाल देते हैं, इससे पालक पनीर का जो टेस्ट है इससे भी काफ़ी अच्छा आता है। जब आप मसाले भुने, उसी वक्त
कसूरी मेथी को डाल दीजिए। अब ये जो पालक है एक बाउल, इसे हम डाल देते हैं, मसालों के साथ मिक्स कर देते हैं। अगर आप पतली पालक खाना चाहते हैं तो इसमें आप आधी कटोरी पानी डाल दीजिए। अब हम कढ़ाई को कवर कर देते हैं 4 से 5 मिनट के लिए। 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, हम कवर उठाकर चेक कर लेते हैं। देखिए कितनी अच्छी खुशबू आ रही है और पालक भी मसालों के साथ अच्छे से भून चुकी है। इसे हम थोड़ा और खोलकर पका लेते हैं। देखिए पालक और मसालों ने तेल छोड़ना शुरू कर दिया है। फ्रेंड्स, आज मैंने आपको बहुत ही सिंपल तरीके से पालक पनीर की रेसिपी बताई है, इसे आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिए। एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल में आपको पता चलेगा कि पालक पनीर कितना टेस्टी है और कितना टेस्टी बनता है इस प्रकार से आप बनाएंगे तो। पालक मसालों के साथ अच्छे से भुन चुकी है। अब इस स्टेज में हम ये जो पनीर है इसे हम डाल देते हैं। फ्रेंड्स, आप चाहे तो इसे हल्का सा सेलो फ्राई भी कर सकते हैं, पर मैंने इसे सेलो फ्राई नहीं किया है, इसे लो टेम्परेचर पे मैंने रख दिया था, उसके बाद मैंने कट कर लिया है। इसे हम डाल देते हैं। अच्छे से मिक्स कर देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हैं कि पालक पनीर की रेसिपी कितनी सिंपल है और बनाना भी इसे बहुत ही आसान है। आप इस प्रकार से पालक पनीर बनाइए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अभी तक आपने मेरे चैनल रॉयल इंडियन किचन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जाके सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। कमेंट्स बॉक्स में मुझे लिख के बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है, और आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको कोई जानकारी लेनी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताइए, तो आपको मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगी। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।